देख रहे हैं केवल सच। कि बिहार सरकार जो इतनी करोड़ों रुपया जो यहाँ पर जो दिया है और ये इस मकान या दुकान बनाया है तो किस कौन सा जमीन पर बनाया और जब बना उसको समीक्षा करके देखे जी इतने सारे हजारों करोड़ों रुपया है। और मैं यहाँ के मुझे बड़ा एक आध्यात्मिक सुख मिला है कि मुझे यहाँ के अच्छा लगा कि सीता जी की जन्मभूमि पर मुझे एक सौभाग्य मिला। मंदिर की मान्यता यही है कि ये यहाँ से जगत जननी जानकी जी का जो प्रादुर्भाव का ये स्थान हुआ। जो पीछे कुंड देखे हैं वहीं पर जो रावण के द्वारा जो शराब युक्त घड़ा जो गड़ा हुआ था जिसके लेकर 12 वर्ष का महाकाल पड़ा था ना मिथिला में। मैं ससरंजन सिंह, हम पुनौरा धाम के महंत बाबा के पास आए हैं, इनसे पूछना चाहेंगे कि ये इनकी क्या मान्यता, मंदिर की क्या मान्यता है बाबा। मंदिर की मान्यता यही है कि ये यहाँ से जगत जननी जानकी जी का जो प्रादुर्भाव का ये स्थान हुआ। जो पीछे कुंड देखे हैं वहीं पर जो रावण के द्वारा जो शराब युक्त घड़ा जो गड़ा हुआ था जिसके लेकर 12 वर्ष का महाकाल पड़ा था ना मिथिला में। जी जी। तो मिथिला में अकाल पड़ा हुआ था जिस समय प्रजा लोग जाकर के जनक जी महाराज से प्रार्थना किए थे कि अनल जड़ के बिना मरते हैं, इसलिए कोई उपाय कर किया जाए। फिर उपाय में जो बड़े बड़े विद्वानों को बुला करके सभा में पूछे थे कि हम क्या करेंगे तो वर्षा होगी। तो लोग बताए थे कि आप हलेची जग करके हल चलाइएगा तो वर्षा होगा। तो हुआ कि मिथिला राज तो हमारा बहुत दूर तक है, मिथिला का यह क्षेत्र 64 को चौड़ा 96 कोस लंबा यह मिथिला का राज्य है। इसका चौधरी आपको पूर्व में कोसी नदी, दक्षिण में गंगा, पश्चिम में गंडकी, शालिग्राम, उत्तर में हिमालय, ये इतना के अंतर्गत ये मिथिला राज हुआ। तो मिथिला के अंदर हम कहाँ पर ये काम करेंगे तो ये वर्षा होगी। तो फिर उन लोगों ने बताया था कि ये जनकपुर से जो है जब माने कीजिए ये 3 योजन 12 कोस के बाद में वो जगह है जहाँ पुण्यारण नाम का वन जंगल है, पुण्डरीक ऋषि का आश्रम है। तो वहाँ पर ये कार्य को करेंगे तो ऐसा आता है प्रमाण में कि वर्षा होगी। तब वहाँ से चले थे 88,000 ऋषियों के साथ। और शहर में जो अभी एक जगह देखा होगा आपने, जानकी स्थान के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ पर जो है आपको जो है कैंप डाला गया पड़ाव। फिर वहाँ से उत्तर पश्चिम कोण में 2.5 किलोमीटर दूर चल करके उन्होंने हलेष्टी जग किया और हलेश्वरनाथ महादेव को शिवलिंग स्थापना किया। जो इधर के लोग नहीं जानते हैं उनको बैरिया बैरिया महादेव कहते हैं, लेकिन लिंग पुराण और विष्णु पुराण मिथिला खंड वर्णन में उनका नाम आया है हलावर्ता हलेश्वरा। तो वहाँ पर जो हलेची जग करके और वहीं से हल चलाना शुरू किए 3 किलोमीटर दूर से जो भूमि अभी जो वर्तमान जो तालाब के रूप में आप जो देखा, तो पहले तो ऐसा जंगल था, सरजमीन था, इस पुण्यारायण नाम का वन जंगल था। जी जी। तो हल के लांगूर लगने से जो घड़ा फूटने से वह दिव्य सिंहासन निकला, उस पर राष्ट्र सखी समेत निकली थी। फिर जनक जी ने यह दृश्य को देख करके प्रार्थना करने लगे, भई प्रकट कुमारी भूमि बिदारी अद्भुत रूप निहारी, तो सखी सिंहासन दोनों जमीन में गुप्त हो गया और बाल आशी सखी के मध्य में बीच में जो भूमि पुत्री बालिका थी वह बच्ची रूप में रोने लगी। फिर इस जगह का दोबारा दो नाम और पड़ गया, पुण्य रसा और पुण्य उर्वरा। पुण्य रसा, रसा नाम पृथ्वी, पृथ्वी से निकली चले पुण्य रसा, पुण्य उर्वरा ये पुण्यारायण के वन जंगल, उसके बीच हृदय से निकली चले पुण्य उर्वरा। आज उसी शब्द का अपहरण कर दिया, पुनौरा पुनौरा धाम इसको कहते हैं। तो हुआ कि ये बालिका के भी अधिकारी होंगे पुण्डरीक ऋषि, क्योंकि एक समय सूर्य ग्रहण में ये पुण्यारायण नाम का वन जंगल जब ये पुण्डरीक ऋषि को दक्षिणा में जनक जी महाराज दान किए हुए थे, और दूसरा था कि बच्ची की जहाँ निकली वो तो ऋषि का आश्रम है जी। तो अधिकारी तो वही थे पुण्डरीक ऋषि, पर उन्होंने भी जो दान में जनक जी को दिया तो यहाँ जया से जानकी नाम रख कर के गोदी में उठा लिए। और फिर पुष्प बिच्ची होने लगी, जल बिच्ची होने लगी, तो यहाँ रहने का ठिकाना नहीं था। फिर वह कैंप में ले गए, वहाँ 6 दिन के लिए रखे। नारद जी आए तो उनका नाम रखे सीता। अब जो वहाँ पर सीता नाम पड़ा, यहाँ जानकी नाम पड़ा। अब यहाँ जानकी इसलिए नाम पड़ा कि जो जया कहा जाता है इसका संकेत पद्म पुराण के स्वर खंड में मिलता है कि तत्रैव च महाराजा जियांग लोक परिस्थ्याम। अने जया शब्द का कहने का तात्पर्य करते ही होता है कि जिन बच्चे में माता और पिता का गुण मौजूद हो और बच्चा स्वयं पैदा ले, अपने आप जन्म ले, उसको जया कहते हैं। तो यहाँ पर जया से सिद्ध करके अपने वंश के रूप में नाम रखे थे जनक पुत्री जानकी।
और वहाँ पे सीता नाम इसलिए हुआ कि सीत जो कहते हैं, हल में लोहे का फाल होता है जिसे मट्टी खोदते उसको सीत कहते हैं। तो सीत और सीता, फाल और गड्ढा, एक दूसरे के मिलन टकराव से तीसरी बालिका की उत्पत्ति हो गई, इसलिए उसका नाम आया शीतोत्पन्न, सीता होना चाहिए। फिर वर्षा बंद हो गई, महाराजा जनकपुर अपने महल को ले गए, पर आज वैसी वह जन्म जो ली है जानकी मैया जिसको आप कहते हैं, तो वह धरती माँ के गोद से जो है जो निकली, जिसको जानकी जी कहिए, सीता जी कहिए, वैदेही कहिए, यानी जितना नाम उनका कहिए, पर वो भूमि वह कुंड है और कुंड के लेकर के ही ये मंदिर ये विख्यात है। अयोध्या तो बहुत पुराने जमाने से विवादों में रहा है और आज उनका वहाँ पर जन्मस्थली भी बन रहा है, यहाँ के लिए भी भारत सरकार ने शायद 36 करोड़ रुपए दिए हैं, इस पर क्या कहेंगे बाबा? 36 करोड़ रुपए दिए हैं तो हम तो मैंने वो मोदी जी या जो जो उनके जो साथ में जो प्रेरणादायक हो रहे होंगे हम सबको धन्यवाद देते हैं। हम अपने तरफ से ये भूमि के तरफ से ये पुनौरा धाम के तरफ से धन्यवाद देते हैं, पर आग्रह ये भी करेंगे कि बिहार सरकार जो इतनी करोड़ों रुपया जो यहाँ पर जो दिया है और ये इस मकान या दुकान बनाया है तो किस कौन सा ज़मीन पर बनाया और जब बना उसको समीक्षा करके देखे जो इतने सारे हजारों करोड़ों रुपया है तो कैसा बना है या कैसा है उसका डिजाइन, उसको पर थोड़ा निगाह डाले तो हम उनसे हम अपने तरफ से धन्यवाद देंगे कि क्योंकि पैसा आई और बांट बकरा में खा गया कि कैसे बना आज वो देखने को नहीं मिलता है। लेकिन मोदी बाबा का बड़ा आरोप कि बिहार सरकार के अधिकारियों ने यहाँ के पैसों का बंदर बांट किया, यहाँ के नेताओं ने राजनेताओं ने बंदर बांट किया और पुनौरा धाम का विकास नहीं होने दिया। बाबा का साफ साफ आरोप कि भारत सरकार ने तो 36 करोड़ रुपए दिए हैं लेकिन इसका हाल कहीं बिहार सरकार वाले पैसे की तरह ना हो जाए। और ये वो कुंड है जहां माँ जानकी जमीन से जनक के हल से निकली थी। यहां मान्यता है कि माँ जानकी की यह जन्मस्थली है, सीतामढ़ी जिसको माँ जानकी के जन्मस्थली के नाम से जाना जाता है। जब पूरे देश में अयोध्या के लिए आंदोलन हो रहा था और सीतामढ़ी के लिए कोई भी धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक कार्य नहीं हो रहा था, इसको बढ़ने का मौका नहीं दिया जा रहा था, लेकिन इस बार के बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 36 करोड़ रुपया देके सीतामढ़ी के जनता को, विश्व के जनता को, विश्व के हिंदू धर्म को एक संदेश देने का काम किया है, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। कई जगहों से लोग सीतामढ़ी के इस धरती पे आते हैं, पुनौरा धाम सीतामढ़ी की धरती जहां माँ जानकी जमीन के अंदर से निकली थी। हम यहां आए हुए लोगों से पूछना चाहेंगे कि आप माँ जानकी के जन्मस्थली को कहां से जानते हैं? आप कहां से आए हैं? दिल्ली से। अच्छा, आपको कैसे पता चला यहां जानकी की धरती है? हमारे मित्र श्री शुक्ला जी हमारा बिहार में सहयोग करते हैं, हम पटना में जब भी आते हैं उन्हीं के पास आते हैं। क्या नाम है आपका? विपुल गौतम। अच्छा अच्छा, आप तो शुक्ला जी ने कहा आज आप पटना आए हैं तो हम आपको सीतामढ़ी लेके चलते हैं, माँ जानकी के दर्शन कराते हैं मंदिर के, तो इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम केडी शर्मा है, मैं गुड़गांव हरियाणा से आया हूँ जी जी, और मैं पटना में किसी सरकारी काम से आया था। यहाँ जानकर मुझे पता चला कि सीता जी का जहाँ जन्म स्थल है वो पटना से 200-250 किलोमीटर की रेंज में है, और मुझे शुक्ला जी हमारे साथ थे तो उन्होंने मुझे यहाँ के बारे में बताया और मैं यहाँ आके मुझे बड़ा एक आध्यात्मिक सुख मिला है कि मुझे यहाँ के अच्छा लगा कि सीता जी के जन्मभूमि पर मुझे एक सौभाग्य मिला कि यहाँ के मेरे मुझे प्रार्थना करने का। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग सीतामढ़ी के स्थायी निवासी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जानकी का क्या इनका महत्व है यहाँ के पुनौरा धाम का? यहाँ पर बहुत बड़ा था, यहाँ पर जगत जननी माँ जानकी सीता जी का जन्म है, यहाँ पर यहाँ से ही सीता जी निकले हुए हैं, यहाँ बहुत पवित्र। अभी बजट में प्रधानमंत्री ने इसके लिए राशि दी है, आपको पता है क्या? 36 करोड़ रुपया राशि दी है इसके विकास के लिए जी। दिए होंगे, इसका विकास होगा।